Hey guys, welcome back to the channel. मुझे पता आप लोग मुझे काफी टाइम बाद देख रहे हैं. well, मेरा नाम अरफ बड़ा है. हम लोग बात करने वाले हैं नथिंग फोन 2 के बारे में. ज्यादा वेट नहीं करते, काफी सारे रूमर्स चल रहे हैं, मैंने काफी सारे वेबसाइट सर्च किया है एंड काफी सारे फैक्ट्स भी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अब नथिंग फोन 2 रिलीज होने ही वाला है एंड उसका रूमर डेट भी निकल चुका है. ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, अंदर चलते हैं वीडियो के अंदर एंड काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नथिंग फोन के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि क्या इसका पहला जो फोन था वो ज्यादा अच्छा था या नहीं था. हाँ, ठीक था, कैमरा भी ठीक ठाक ही था, बट ओवरऑल कुछ ज्यादा इम्पैक्ट डाला नहीं डाला. ओवरऑल उसका लुक ही एक ऐसा चीज था, एक ऐसा की फीचर था जिसको ट्रेंडिंग पे लेके चला गया, बट ओवरऑल इसके परफॉर्मेंस की वजह से ये कैरी आउट नहीं कर पाया. अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता तो ये बहुत अच्छा फोन बन सकता था बिकॉज इसको बहुत अच्छा बूस्ट मिला था. ये नाम आपको याद रखना चाहिए, कार्ल पे एंड पीट लॉ, इन दोनों ने ही वन प्लस को फाउंड किया था एंड बाद में कार्ल पे ने 2020 में वन प्लस को छोड़ दिया था. एंड मुझे नहीं पता क्या रीज़न होगा, बट ठीक है, मुझे लगा मतलब आप देख सकते हैं कि 2020 में वन प्लस ने कंसिस्टेंटली भी छोड़ दिया था. मुझे लगता है ये बंदा वन ऑफ द मेजर रीज़न कि वन प्लस काफ़ी अच्छा इनोवेटिव ब्रांड्स बन रहा था. एट द सेम टाइम वन प्लस को फ्लैगशिप किलर भी बोला जा रहा था एंड नाउ ही इज़ बैक विद नथिंग फोन एंड नथिंग ब्रांड. एंड मैं नहीं कहूँगा कि ये पूरा पूरी अनसक्सेसफुल रहा है क्योंकि इसके काफ़ी सारे हेडफोन्स एंड अदर थिंग्स वॉज वेरी गुड एंड काफ़ी सारे बड़े बड़े लाइक जो फोन्स में मॉडर्न चीज़ें डालते हैं या उसको कॉपी करना चाहते हैं, इस फ़ोन को भी कॉपी करने का एक ट्रेंड बना था. जैसे कि सैमसंग S22 का बैक ले लो, उसमें काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने अलग अलग लोगों ने बैक को उसको स्क्रैपिंग करके बिल्कुल सेम लुक लेने का कोशिश किया था, जो कि आईफोन के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं. एंड मे बी ये ब्रांड ऐसा बन सकता है जिसको लोग कॉपी करके अपने ब्रांड पे पेस्ट करना चाहेंगे. अब इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल चुका होगा नथिंग ब्रांड क्या है एंड किस चीज़ों के लिए हमें उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए. फर्स्ट हम लोग बात करेंगे नथिंग फोन 2 के बारे में एंड मैं इतना श्योरिटी के साथ क्यों बोल रहा हूँ कि नथिंग फोन 2 रिलीज़ होने वाला है. इतनी श्योरिटी क्यों है? श्योरिटी इसलिए है क्योंकि एक वेबसाइट है, यहाँ पर जब भी कोई फ़ोन नया रिलीज़ होने वाला रहता है वहाँ पर रजिस्टर होता है एंड उसके बाद लॉन्च होता है एंड नथिंग फोन 2 वहाँ रजिस्टर हो चुका है एंड अब लॉन्च होने का उसका टाइम आ चुका है. एंड रूमर ये है कि 2 से 3 महीने के अंदर नथिंग फोन 2 लॉन्च होने वाला है. इसके स्पेक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं. सबसे पहले फ्रंट स्क्रीन या फ्रंट डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं जो सबसे पहला दिखता है. तो स्क्रीन के साइज के बारे में बात करें तो 6.6 इंच स्क्रीन होने वाला है, OLED होने वाला है जो कि अच्छी बात है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन होने वाला है, HDR10+ होने वाला है, इन डेप्थ कलर होने वाला है, 10-bit कलर डेप्थ होने वाला है एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे कि गोरिल्ला ग्लास होने वाला है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मेरे बदले मतलब है एंड साथ में 60Hz एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, अडैप्टिव एंड टच सैम्पलिंग रेट 240Hz का देखने को मिलेगा. एंड अडैप्टिव मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता है, क्योंकि मैं S22 यूज़ करता हूँ उसमें अडैप्टिव नहीं है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो जाता है, क्योंकि मुझे जब उस रिफ्रेश रेट का ज़रूरत ही नहीं होता है तो उसका वहाँ पर रहने का क्या ज़रूरत है. मतलब जब मैं गेम खेल रहा हूँ तो मुझे शायद चाहिए होगा, बट जब मैं नहीं खेल रहा हूँ या फ़ोन नॉर्मली स्क्रॉल कर रहा हूँ तो 60Hz इज़ इनफ. वहीं पर जो ऊपर जो होता है ना छोटा सा नॉच वोच है तो उसके जगह हम लोग पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड ठीक है, कॉमनली अगर देखा जाए तो बिल्कुल S23 का जो नॉर्मल फोन होता है अभी जो सीरीज़ निकला है उसका बिल्कुल फ्रंट जो डिस्प्ले है उसका बिल्कुल कॉपी है. कॉपी क्या मतलब, सेम इंस्पायर्ड है, मतलब सेम टू सेम है. तू समझा? नहीं तू समझा नहीं. अगर अब हम कैमरा के बारे में बात करें तो 50 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा एंड मुझे इन्हें ये चीज़ बताना होगा कि 50 मेगापिक्सल और ऐड कर देने से कैमरा का क्वालिटी बढ़ नहीं जाता है, आपको सही में उसका क्वालिटी बढ़ाना होता है. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. जैसे कि पिक्सल डेंसिटी हुआ, कलर डेप्थ हुआ, रियलिटी मतलब जितना ज़्यादा क्लोजर टू रियलिटी हो, जितना अच्छा पिक्चर वो जनरेट कर सके, ज़्यादा डिटेल कर सके, वो ज़्यादा मैटर करेगा. अभी 50 मेगापिक्सल एक और लेंस मैटर नहीं करने वाला, अगर करेगा भी तो ठीक है अच्छी बात है अगर उसमें भी कोई नया फीचर डाला गया हो, बट बेसिक चीज़ें जो पिछले बार कैमरा में नहीं थी अभी होनी चाहिए. वहीं पर अगर कैमरा के रेजोल्यूशन मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें तो आपको 4K 30fps देखने को मिलेगा, साथ में OIS देखने को मिलेगा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन. फ्रंट की बात करें तो जी हाँ बिल्कुल मस्त 32 मेगापिक्सल का फ्रंट दिया गया, बड़ा सेंसर है अच्छी बात है एंड सेल्फी लेने में आपको आसानी भी होगी. आज तो रील का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी चल रहा है तो ये आपको उसमें भी हेल्प कर सकता है अगर आपको रील बनाने की आदत है या मन करता है तो. एंड सेंसर यहाँ पे कैमरा का सोनी IMX766 होने वाला है जो कि नॉर्मली काफ़ी अच्छे कैमराज में यूज़ होता है, जो कि अच्छी बात है, मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं. वहीं पर अगर इसके टेक्निकल चीज़ों में बात करें जो इसका गुदा मतलब जो मेन चीज़ है, गुदा तो नहीं बोलेंगे बट हार्ट कोर पावर जो इसका सिस्टम सपोर्ट सिस्टम है भैया वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1. मुझे लगा Gen 2 होगा लेकिन ठीक है,
जेन वन भी परफॉर्मेंस में कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है, बट इसका हीटिंग इशू थोड़ा ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि किस तरह से उसे हैंडल करेंगे, बट काफ़ी सारे स्मार्टफोन एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में ये लिक्विड कूलिंग एंड कूलिंग का काफ़ी सारा चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुका है, एंड अगर वो इसे इस्तेमाल करते तो मे बी एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर इसको बहुत ज़्यादा हार्ड यूज़ करोगे तो हीट तो होगा। वहीं पर अगर रैम के बारे में बात करें तो 8GB रैम होने वाला है, 5GB एक्सपेंडेबल होने वाला है। जी हाँ, एक्सपेंडेबल का बहुत ज़्यादा लंबा ट्रेंड चल रहा है, एंड ठीक है सीधा सीधी एक साथ ही क्यों नहीं दे देते हो अगर देना है तो। इंटरनल मेमोरी की बात करें तो 128GB इंटरनल मेमोरी देखने मिलेगा, मुझे नहीं पता अभी तक एक्सपेंडेबल होने वाला है या नहीं होने वाला, बट अगर होगा तो अच्छी बात है। ऑब्वियसली 5G प्लस 5G डुअल सिम ट्रे होने वाला है, मतलब होगा ही, क्यों नहीं होगा, हर कोई एप्पल थोड़ी बन जाएगा। वहीं अगर बैटरी की बात करें तो कभी इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि काफ़ी सारे वेबसाइट में 4700 दिखा रहा था, एंड मैंने काफ़ी सारे वेबसाइट में से 5000 भी दिखा है, तो दोनों में से कोई एक लेके चलो, 5000 उसका ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो पावर हाउसेस चीज़ें हैं वो इस्तेमाल होंगे और लॉन्गर टर्म तक चलेंगी। वहीं पर अगर चार्जर्स की बात करें तो 66W का फास्ट चार्जिंग होने वाला है, 50W का फास्ट चार्जिंग वायरलेस होने वाला है, एंड साथ में 5W का रिवर्स चार्जिंग होने वाला है। अब बात करते हैं प्राइस का, तो काफ़ी जगह पे काफ़ी सारे 20-30 वेबसाइट्स को ढूंढने के बाद, देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये प्राइस जो आ रहा है एक जगह पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, वो 3999। एक रुपये का टॉफी खा लेना फ़ोन खरीदने के बाद, अगर फ़ोन अच्छा निकला तो, वरना एक रुपया क्या चुराएगा तो जहर नहीं मिलना, बट ठीक है छोड़ो ना, उस चीज़ को हम लोग साइड में रखते हैं। एंड लॉन्च डेट रूमर होने वाला है कि 19 जुलाई में लॉन्च होने वाला है ये चीज़, ये रूमर है, कंफर्मेशन नहीं है, तो वीडियो में वापस आके गाली मत देना अगर 19 को लॉन्च नहीं हुआ तो। कंक्लूजन पे आते हैं, अभी इसका ये सेकंड फोन ही है, एंड मुझे नहीं पता ये कौन सा ब्रांड एंड किस हिसाब से अपने वे ये अपना एक पाथ सेट कर रहा है, खुद को यूनिक किस तरह बना रहा है, बट इस सेकंड फोन के बाद हमें एक पता चल जाएगा कि नथिंग फोन कहाँ लाई करता है एंड क्या उसका अपना यूनिक वे है कि नहीं है। अगर इंसान कोई भी फ़ोन खरीदता है तो उसके हिसाब से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स या अपने पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट भी करता है, मतलब कि अगर आईफोन वाले बंदे आईफोन वाले बंदे होते हैं, सैमसंग वाले सैमसंग वाले होते हैं, तो नथिंग वाले भी हो सकते हैं नथिंग वाले बंदे। तो सब एक ब्रांड अपना अपना एक पर्सनैलिटी लेके अपना चलता है, एंड सेकंड फ़ोन ये डिसाइड करेगा कि इस ब्रांड का पर्सनैलिटी क्या होने वाला है, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसका लुक मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद था। तो आप एक्साइटेड है कि नहीं है मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ हाँ लाइक शेयर करो, काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं या शेयर नहीं करते, देख के चले जाते, तो उसका आपको पैसा नहीं लगेगा, वो एक रुपया भी नहीं लगेगा जो 3999 में बच रहा है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।